अब तक की ब्रेकिंग खबर की ओर डालेंगे प्रकाश, जहां पर सबसे पहली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर गहलोत सरकार मनमानी फीस वसूलने वालों पर करेगी सख्त कार्रवाई, जारी करेगी बिल। जयपुर में 13 साल के बच्चे ने दिया है दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम, तेज रफ्तार कार से बुजुर्ग को रौंदा। पूर्वांचल की 54 विधानसभा के लिए नामांकन हुए हैं दर्ज, वाराणसी सहित 230 के पर्चे हुए हैं खारिज। फाइटर प्लेन की दिलचस्प लड़ाई, अभिनंदन ने जिस F-16 को मार गिराया था, सुखाई से होगा उसका मुकाबला। जोधपुर में संदिग्ध आतंकी के घर NIA ने दी है दबिश, आरोपी खुद को बताता था पत्रकार, पाकिस्तान भेजता था खुफिया जानकारी। बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है रूस, कभी पर होगा पहला अटैक। मौसम विभाग ने जानकारी की है साझा, 22 फरवरी से राजस्थान में बारिश की चेतावनी। सीकर को संभाग बनाने की मांग को लेकर सीएम से मिले डोटासरा, कहा अगर सीकर को नहीं बनाया संभाग तो जूते पहनना छोड़ देंगे। नीमका थाना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का मुख्य सड़क पर होने से बच्चे कभी भी हो सकते हैं हादसे का शिकार।